अस्सलाम वालेकुम, स्पाइसी फूड एंड स्वीट में खुश आमदीद। उम्मीद है तमाम साथी, हमारे दोस्त भाई जितने भी हैं सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला हमारे तमाम साथियों को सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए। जी तो साथियों, आज हम आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर करने वाले हैं। सर्दियों की सौगात है जो खजूर का हलवा है, तो जिसके लिए हमें 3 पाव खजूर चाहिए, जिसकी आपने गुठलियाँ निकाल लेनी है। तो खजूरें निकाल के रख लेंगे, उसमें के बाद आपने 1200 ग्राम खोया लेना है आपने, और उसमें 1/2 किलो चीनी ऐड करनी है। चीनी ऐड करके छोटी इलायची इसमें आपकी देखिए हमने डिश में डाली हुई है। उसके बाद ये कढ़ाई के अंदर हम देसी घी डालेंगे, सूजी डालेंगे। सूजी हमारी है 40 ग्राम सूजी है और 50 ग्राम हमारे पास ये घी है देसी। तो अब हम इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा इसका टेम्परेचर ज़्यादा ना हो, इसका बिल्कुल नॉर्मल हो। इसको पकाएंगे, इसका पकाने का तरीकाकार जो है ये आप देखते भी जाएं, सुनते भी जाएं। उसके बाद ये हमने इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे। हलवा आप कोई सा भी आप अगर बनाओ उसमें आपने बेसन लाजमी ऐड करना है, क्योंकि इससे इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। बेसन ऐड करने के बाद हम इसमें खोया, चीनी और छोटी इलायची जो हमने एक डिश के अंदर डाल के रखे वो इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे, और इसके पकाने का तरीक़ाकार भी आपको बता रहे हैं। जो भी है हमारा यही मिशन होता है कि कोई भी हमारा व्यूअर्स जो हमारा चाहने वाला है उसको अच्छी रेसिपी मिले। ना ही हम इसमें 2 नंबरी काम करते हैं, ना ही हमें ज़रूरत है, हम 1 नंबर ज़बरदस्त और अच्छा काम करके दिखाते हैं। 2 नंबरी वाला तो काम हमें बिल्कुल पसंद ही नहीं करते। तो उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ग्लूकोज ऐड करेंगे, 50 ग्राम लिक्विड ग्लूकोज जो बआसानी मिल जाता है। ग्लूकोज डाल के अब इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि ग्लूकोज इसमें जो है वो हल हो जाए। जो हमने खजूरें निकाली थी 3 पाव, उसमें से आपने 200 ग्राम के करीब खजूरें इसके अंदर डाल देनी है। ये देखिए ऐसे हमने डाल दी, इसमें डाल के इसको पका के बाद में इसको चेक कर लें। थोड़ा सा ये हार्ड होना चाहिए बिल्कुल, यानी कि नरम नहीं होना चाहिए, थोड़ा मुलायम मुलायम हो, थोड़ा सा इतना ज़्यादा भी हार्ड ना हो। तो हमारा हलवा ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डिश में निकालेंगे, डिश के अंदर निकाल के। तो इसके बाद हम ये खजूरें जो बाकी 500 ग्राम हमारे पास बची हुई हैं वो इसके ऊपर सेटिंग के साथ लगा देंगे ऐसे। तो व्यूअर्स, अगर हमारी रेसिपी और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेहरबानी सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया।